हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सपनों में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है, मानो शरीर को छोड़कर आत्मा पूरे संसार में भ्रमण कर रही है। स्वप्न शास्त्र के सपनों की कई श्रेणियां होती हैं। कई स्वप्न हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं तो कुछ सपनों को देख कर हम भयभीत हो जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। कई बार हम सपने में उन लोगों को देख लेते हैं जो कभी हमारे बहुत करीबी थे पर अब इस दुनिया में नहीं है, तो कई बार जिंदा लोगों को भी मरा हुआ देख लेते हैं। मृत व्यक्ति हमारे सपने में आकर कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है। सपने में स्वस्थ दिखाई देना। यदि घर का कोई सदस्य बीमार होकर स्वर्गवासी हो और सपने में आपको स्वस्थ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि मरने के बाद उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है। इस तरह वे यह संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ ना दें। इसे स्वप्न शास्त्र में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। सपने में बीमार दिखाई दे। यदि आपके किसी अपने स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दिखाता है कि वह आपसे कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा हो जिसे वह पूरा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो यदि संभव हो तो आपको उस इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जीवित व्यक्ति सपने में दिखे मृत। यदि सपने में कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई दे तो उसे देखकर हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार जीवित व्यक्ति को मरा हुआ देखना उसकी आयु में वृद्धि का सूचक होता है। ऐसे सपने को बुरे सपने की श्रेणी में नहीं रख सकते। जब सपने में परिजन कुछ ना बोले। कई बार आपने देखा होगा कि सपने में आपके स्वर्गवासी परिजन दिखते तो हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। ऐसे सपने को हम समझ नहीं पाते हैं। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे सपने में हमारे परिजन हमें हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों के बारे में आगाह करते हैं, अर्थात या तो हम वर्तमान में कुछ गलत कार्य करना जा रहे हैं या फिर कोई गलत कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। सपने में मिले आशीर्वाद। यदि सपने में हमारे मृत परिजन आकर हमें आशीर्वाद दें और कुछ बोले नहीं तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता हासिल होने वाली है। सपने में उदास दिखे परिजन। यदि सपने में मृत परिजन उदास मुद्रा में दिखाई दे या फिर आपको आभास हो कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से वह खुश नहीं है तो हमें ऐसे कार्य करने ही नहीं चाहिए या फिर बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सपने में अगर कोई वस्तु मांगे। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिनमें हमारे मृत परिजन आकर हमसे कोई वस्तु मांगते हैं लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे स्वप्न में हमें ऐसा आभास हो कि वह हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं या फिर वह भूखे हैं, तो यह भी एक संकेत है। यदि स्वप्न में दिखने वाली कोई वस्तु आप उनके निमित्त किसी गरीब को दान करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा से किया गया यह दान उन्हें प्राप्त होता है। अगर परिजन को इस अवस्था में देखें। यदि हमारे कोई स्वर्गवासी परिजन हमें मृत्यु के बाद हमसे कहीं बहुत दूर जैसे आकाश में या कहीं और दिखाई दे तो यह संकेत है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति
हो चुकी हैं। परिजन दिखे करीब। यदि सपने में मृत परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत करीब दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से अभी तक मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। ऐसे आपको आभास हो तो परिजन के निमित्त आपको रोजाना गाय को 2 रोटी खिलानी चाहिए, अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को मरे हुए नज़दीकियों के सपने आते हैं उनके लिए ये सपने एक तरह से लाइफ चेंजिंग अनुभव होते हैं। कई लोग इन सपनों में अपनों द्वारा इशारे में दी जाने वाली गाइडेंस को अपना कर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर डालते हैं। अध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे अपने जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं वो सपनों में आकर हमारे साथ बने रहते हैं। वो हमारे अच्छे के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जरूरत होती है केवल उनके इशारों को समझने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।